हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। यहां पर जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 से फटाफट ताजा खबरें। तो जी हां, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक तरफ से लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप रोजाना हरियाणा की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हां, शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। तो जी हां, बता दें उत्तर प्रदेश दिल्ली के तर्ज पर हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में हो सकता है लॉकडाउन। तो जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा की कट्टर सरकार अब लॉकडाउन की तैयारी में है। हालांकि यह तैयारी अभी गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के लिए है। सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में धारा 144 लगाने पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें दिल्ली में आगामी 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लागू है। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा सहित सभी शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने इससे पहले कई बार प्रदेश में लॉकडाउन की संभावनाओं को नकार चुके हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि इस वीकली लॉकडाउन के प्रवासी कामगारों प्रभावित हो सकते हैं। जी हां, अगली बड़ी खबर आई है। आपको बता दें हरियाणा में मकान व दुकानों पर 20 साल से काबिज लोगों को मिलेगा मालिकाना हक, चुकानी होगी निर्धारित कीमत। तो जी हां, एक बार फिर से खुशखबरी। हरियाणा में स्थानीय निकायों की दुकानों और मकानों पर 20 साल से कब्जा जमाए बैठे लोगों को अब सरकार मालिकाना हक देगी। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। नगर निकायों द्वारा दुकानों व मकानों की बिक्री के लिए नीति इसलिए बनाई गई है क्योंकि दुकानों व मकानों के रूप में बड़ी संख्या में ऐसे पर संपत्तियां 20 वर्षों से अधिक समय से विभिन्न संस्थाओं या व्यक्तियों के कब्जे में है। एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस वक्त की। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर के। कैंपी टोल फ्री कराने के मामले में 300 किसानों पर केस दर्ज। राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर उकसाने का आरोप। तो जी हां, आपको बता दें बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है। कैंपी एक्सप्रेस वे के मंडौठी टोल को बार बार फ्री कराने का मामला गंभीर होता जा रहा है। आंदोलनकारियों द्वारा इस टोल को फ्री कराने के बाद असौदा थाना पुलिस ने 300 किसानों पर विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। राकेश टिकैत व गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर आंदोलनकारियों को उकसाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है। कोरोना महामारी के बीच आई है नई मुसीबत। ऑक्सीजन भी होने लगी है चोरी। पानीपत रिफाइनरी टैंकर ले उड़े चोर। तो जी हां, पानीपत रिफाइनरी से सिरसा भेजा गया ऑक्सीजन से भरा टैंकर लापता हो गया है। पानीपत के ड्रग्स कंट्रोल अफसर विजय राजे ने बोहली पुलिस चौकी में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। यह टैंकर पानीपत से सिरसा भेजा गया था लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच टैंकर चोरी की घटना ने प्रशासन को सख्ते में डाल दिया है। पानीपत सहित सिरसा की पुलिस टीम टैंकर की तलाश कर रही है। टैंकर पंजाब नंबर है और चालक भी लापता है। तो जी हां, अगली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में शराब पर कोविड सेस खत्म। फिर से महंगी मिलेगी शराब, एक साल के लिए होगी नई आबकारी नीति। हरियाणा सरकार ने शराब कारोबारी से मिले सुझाव के आधार पर एक साल के लिए राज्य की नई आबकारी पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान करी है। पिछले साल कोरोना की वजह से शराब ठेके 19 मई से आरंभ हुए थे जो इस बार 20 मई को खत्म हो गए। शराब कारोबारी के लिए इस साल नया वित्तीय वर्ष 20 मई से आरंभ होगा जो अगले साल 19 मई तक चलेगा। यह इसके साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कांग्रेस ने मदद को बढ़ाया हाथ। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लिखा पत्र, दिया वेयर हाउस देने का ऑफर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एक पत्र लिखा है जिसमें से उन्होंने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न भयावह हालतों में करनाल में 50,000 स्क्वायर फीट और गुरुग्राम में 25,000 स्क्वायर फीट के वेयर हाउस सरकार को देने की पेशकश की है जिन्हें अस्थायी कोविड अस्पताल में तब्दील किया जा सकता है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक प्रदेश में न तो कोई मरीजों को पर्याप्त बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही उन्हें जरूरी दवाइयाँ मिल रही हैं। इस संकट के समय प्रदेश वासियों को हो रही परेशानियां अब सबकी चिंता बढ़ा रही हैं। हम यही भली बात जान सकते हैं। जी, इसके साथ ही जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। बूंदाबांदी के साथ हुए दिन की शुरुआत, ठंडी हवाओं ने दिलाई है गर्मी से राहत। दिन भर बादल छाने के आसार।
पानीपत में सुबह ठंडी हवा गरज के साथ बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास दिलाया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार विंड पैटर्न बदलने से दिन भर बादल छाने और बूंदाबांदी होने के आसार हैं। वहीं गर्मी बढ़ेगी, सुबह 10 बजे तक अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक असर और हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी से बदलकर उत्तर पूर्वी होने के कारण सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे हैं। गरज के साथ बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान पर बने चक्रवात के कारण मैदानी इलाकों में हवा चली है, जिससे दिन और रात के तापमान में भी गिरावट आई है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, अब हरियाणा में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। रिकॉर्ड 62 मौतें हुई हैं, टेस्ट में हर चौथा व्यक्ति संक्रमित। मास्क और सावधानी है जरूरी। तो जी हाँ, आपको बता दें शुरुआती 10,000 मरीज 96 दिन में मिले हैं। अब 24 घंटे में 10,000 से अधिक केस मिल रहे हैं। हर 8 सेकेंड में प्रति व्यक्ति संक्रमित हो रहा है, इसलिए संभल जाएं। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। वैक्सीनेशन से ही इस पूरी घड़ी को टाल सकते हैं। तो जी हाँ, ये थी बड़ी अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचारों की। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।